Hi everyone and welcome back to another video. पहली बात, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट ऑन चैनल. आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली थैंकफुल दैट अभी हमने रिसेंटली 60,000 एंड इवन शायद अभी तक 65,000 भी हो गया होगा चैनल पे. तो इतना जल्दी हमने ये सब क्रॉस कर लिया. लाइक रिसेंटली 50K ही हुआ था एंड देन 60K एंड 65K. सो थैंक्स ए लॉट. आई रियली अप्रिशिएट ऑल द सपोर्ट फ्रॉम यू गाइस. एंड कोई स्क्रिप्ट ऐसे पढ़ के नहीं बोल रहा, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को. सो जस्ट शोइंग माई इमोशंस की कैसा फील हो रहा है. इट्स जस्ट लाइक ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू स्टेप बाय स्टेप. तो अच्छा फील होगा किसी को भी. सो थैंक्स अ लॉट. कुछ दिनों पहले मैंने डिस्टर्बिंग फोटोज विथ क्रीपी बैक स्टोरीज जैसा एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कुछ फोटोज दिखाए थे एंड उनके बैक स्टोरीज को तुम्हें बताया था. एंड सिमिलरली वैसा ही कुछ आज करेंगे, बट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज आज फोटोज नहीं, वीडियोस हैं हमारे पास, कुछ रियल क्लिप्स, फुटेजेस एंड वीडियोस हैं. सो आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस को देखेंगे एंड साथ ही साथ उनके बैक स्टोरीज को भी जानने की कोशिश करेंगे. ऑल्सो जस्ट अ डिस्क्लेमर कि आज के जो वीडियोस मैंने कवर किए हैं उनमें से कुछ वीडियोस कुछ सेंसिटिव हो सकते हैं थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए. सो जस्ट अ स्मॉल वार्निंग एंड बाकी लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट वीडियो. रिसेंट ईयर्स में डोरबेल कैमरास काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं. काफ़ी सारे लोग डोरबेल कैमरास को यूज़ कर रहे हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस. अगर तुम्हें ना पता हो तो ये कुछ ऐसे कैमरास हैं जिनको यूजुअली घर के बाहर लगा दिया जाता है जस्ट नियर द डोरबेल. सो बेसिकली यही सिक्योरिटी पर्पज की वजह से इस डोरबेल कैमरा को यूज़ किया जाता है. बट सिंस ये कैमरास हर वक्त चालू रहते हैं एंड सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार इस कैमरा में ना तुम्हारे वो घर के बाहर का नॉर्मल लुकिंग आउटडोर व्यू ही कैप्चर हो. कई बार इन कैमरास में कुछ बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ें भी कैप्चर हो जाती है, कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें भी कैप्चर हो जाती हैं. और एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ हुआ था 12th ऑफ नवंबर 2019 को जेफरसन पार्क रेसिडेंसी में इन लॉस एंजलिस. रात के 11 बज रहे थे, 11 PM, एंड अचानक उनके पूरे रेसिडेंसी में एक लड़की की आवाज़ गूंजने लगती है. एक लड़की हेल्प के लिए पुकार रही होती है, मदद के लिए पुकार रही होती है एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम कर रही होती है, चिल्ला रही होती है. तभी रेसिडेंसी के लोग अपने अपने घर से बाहर निकल के चेक करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है. एंड तभी ये सब कुछ उनमें से एक घर के सिक्योरिटी कैमरा में, डोरबेल कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा होता है. जब लोग घर के बाहर निकल के देखते हैं तो कोई एक आदमी एक लड़की को फोर्सफुली अपने कार के अंदर डाल रहा होता है. वो लड़की उस आदमी से बचने के लिए, मदद के लिए चिल्ला रही होती है. इससे पहले कि वहाँ के लोग ज़्यादा कुछ कर पाते या फिर मदद के लिए जा पाते, तभी वो आदमी अपने कार के साथ वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है. उस रेसिडेंसी के लोगों ने एक लाइव किडनैपिंग को विटनेस किया एंड इवन ये सब चीज़ें डोरबेल कैमरा में भी रिकॉर्ड हुई. इस चीज़ के तुरंत बाद ही लोगों ने अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए सीधा पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल लगाया. कुछ समय बाद उनके रेसिडेंसी में सारे पुलिस ऑफिसर्स और सारे अथॉरिटीज़ आए एंड इस केस पे सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई. इस किडनैपिंग केस के ऊपर मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था. सो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल बाय KTLA, इनका कहना था कि जितने भी लोगों ने उस पूरे केस को वहाँ पे विटनेस किया एंड अपने आंखों के सामने देखा, उन्होंने डिटेक्टिव्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था. लाइक विटनेसेस टोल्ड डिटेक्टिव्स द कार वाज पॉसिबली ए वाइट 4-door टोयोटा प्रायस विथ 2 people इनसाइड इट. इट अपियर्ड ए ब्लैक वुमेन और गर्ल विथ डार्क ब्रेडेड हेयर, मतलब जिसका किडनैपिंग हुआ था, सी वॉज ए ब्लैक वुमेन विथ डार्क ब्रेडेड हेयर एंड सी वॉज इन द फ्रंट पैसेंजर सीट वाइल द ड्राइवर, मतलब जो किडनैपर था, वॉज डिस्क्राइब्ड एज ए ब्लैक मैन. एंड यहाँ पर लिखा हुआ है दैट द ड्राइवर वॉज हर्ड शाउटिंग आई एम सॉरी. सो मोस्टली जो किडनैपर था वो चिल्ला रहा था आई एम सॉरी, तो पॉसिबल है कि जिसका वो किडनैप कर रहा है उसको वो जानता हो पर किसी मजबूरी के वजह से उसे ये सब करना पड़ रहा है एंड ही इज ऑल्सो सॉरी फॉर दैट. द कार वॉज लास्ट सीन स्पीडिंग साउथ डाउन 3rd Avenue. सो ऐसे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है. मैं एक काम करता हूँ, मैं आर्टिकल का लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तुम और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हो इस केस के बारे में.
इवन आफ्टर 2 ईयर्स, आज के टाइम पे इस केस को 2 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, एंड आज तक वो लड़की कौन थी एंड वो किडनैपर कौन था, उन दोनों की आइडेंटिटी अननोन है। फिर भी पुलिस ने अपनी पूरी कोशिश करी एंड उस लड़की की आइडेंटिटी निकालने की कोशिश करी एंड उस किडनैपिंग केस पे और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करी, बट सैडली कोई आउटकम बाहर नहीं आया। एंड ये बात भी बस एक मिस्ट्री है कि आखिर उस लड़की के साथ उस रात के बाद क्या हुआ, वो कहाँ होगी, वो सेफ है या फिर वो क्या कर रही है, ये सब बातें भी बस एक मिस्ट्री है एंड किसी को नहीं पता इस बारे में। जिस क्लिप को अभी तुम लोगों ने जस्ट देखा इज ऑफ अ गर्ल नेम्ड अलीजा लैम। सी इज अ 21 ईयर्स ओल्ड कैनेडियन गर्ल एंड वो अपने एक टूर के लिए लॉस एंजलिस गई थी। अलीजा लैम डाउनटाउन लॉस एंजलिस के सिजेल होटल में स्टे कर रही थी एंड जो क्लिप तुमने अभी जस्ट देखा वो सिजेल होटल के ही एक एलिवेटर में कैप्चर हुआ था। जब मैंने पहली बार इस क्लिप को देखा था आई वॉज टोटली अनअवेयर अबाउट द स्टोरी एंड जब मैंने देखा तो मेरा पहला इंप्रेशन तो यही था कि कोई मस्ती मजाक कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है या फिर कोई तो प्रैंक कर रहा है। लाइक मुझे कुछ भी इस वीडियो में सिनिस्टर या डार्क या डिस्टर्बिंग नहीं लगा था, बट आई वॉज सो रॉन्ग। हो सकता है मेरी तरह तुम में से भी कुछ लोगों को ये वीडियो बस एक मजाक लगे, ऐसा लगे कि कोई लड़की बस खेल रही है या फिर किसी के साथ कोई मजाक कर रही है, बट मैंने अभी तुम्हें बस उस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट ही दिखाया एंड ऑल्सो उस वीडियो के पीछे की स्टोरी भी मैंने तुम्हें नहीं बताई है। पर जब मैं तुम्हें इस वीडियो के पूरे बैक स्टोरी को बताऊंगा तो शायद तुम इस वीडियो को फिर से वही सेम तरीके से देख भी नहीं पाओगे। January 26, 2013, ये वो डेट था जब अलीजा लैम लॉस एंजलिस पहुंची और उसने सिजेल होटल में चेक इन किया। वहां पे पहुंचने के बाद 2-3 दिन तक वो अपने ट्रिप को एंजॉय कर रही थी एंड अपने टूर को एक सक्सेसफुल टूर बना रही थी। बट देन इन February 1, 2013, आफ्टर 4 डेज ऑफ स्टेइंग इन द सिजेल होटल, अलीजा लैम मिस्टीरियसली वेंट मिसिंग। किसी को पता नहीं था कि आखिर अलीजा लैम कहाँ गई। उनके पेरेंट्स उसको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे पर उसका कॉल लग नहीं रहा था, इसलिए उनके पेरेंट्स ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को इस बारे में इन्फॉर्म किया। पूरी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे करी गई, पूरे होटल को चेक किया गया, पर स्ट्रेंजली उन्हें पहले पहले कोई भी एविडेंस नहीं मिला। अब स्टोरी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। February 19, 2013, होटल के जितने भी गेस्ट थे वो लोग जाके स्टाफ को कंप्लेन करने लगे कि हमारे रूम का वाटर प्रेशर काफ़ी कम है, पानी काफ़ी स्लोली टैप से आ रहा है। इवन कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि पानी का कलर अलग है, पानी का टेस्ट बहुत बुरा है। जब इतनी सारी मल्टीपल कंप्लेंट्स आने लगी तो होटल के स्टाफ ने जल्दी से जाके वाटर टैंक्स को चेक किया एंड तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि उनमें से एक वाटर टैंक के अंदर अलीजा लैम की डेड बॉडी निकली। पूरे 18 दिन हो चुके थे अलीजा लैम को मिसिंग हुए एंड फिर 18 दिन बाद वाटर टैंक में अलीजा लैम की बॉडी मिलती है। बट फिर जाके इस केस ने एक काफ़ी डिस्टर्बिंग टर्न लिया जब पुलिस ऑफिसर्स को उस होटल के एक एलिवेटर का सीसीटीवी फुटेज मिला। February 1 का वो रिकॉर्डिंग था, यानी कि उसी दिन का रिकॉर्डिंग था जिस दिन अलीजा लैम गायब हो गई थी एंड द होल वीडियो वाज वेरी स्ट्रेंज। मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे लग रहा था कि वो काफ़ी कोई फन वीडियो है, वो किसी के साथ मजाक कर रही है, बट जब उसके बाद की स्टोरी मुझे पता चली दैट वाज हर लास्ट वीडियो एंड उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो इट्स कन्फर्म्ड कि वो किसी के साथ कोई मजाक नहीं कर रही थी बट समथिंग रियली सीरियस वॉज गोइंग ऑन। सैडली पुलिस डिपार्टमेंट को उस पूरे होटल में इस एक क्लिप के अलावा और कुछ भी एविडेंस नहीं मिला, सारे एविडेंस जैसे मिटा दिए गए थे। उसके बाद उस केस पे काफी डीप इन्वेस्टिगेशन किया गया, इतना बड़ा पुलिस डिपार्टमेंट और इतने सारे एक्सपीरियंस्ड अथॉरिटीज के काफी अच्छे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी इस केस का कोई भी आउटकम नहीं निकला। द होल डेथ वॉज ए वेरी बिग मिस्ट्री। आखिर अलीजा लैम वहां तक कैसे पहुंची, उसकी डेथ किस तरीके से हुई, सब कुछ अनआंसर्ड था। किसी के पास इसका आंसर नहीं था एंड कोई आंसर निकल भी नहीं रहा था। उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेबल रीज़न नहीं होता अलीजा लैम के डेथ के पीछे किसका हाथ हो सकता है, पर उनके पास अगर कुछ था तो वो थे कुछ थियोरीज। This, take a look, is 21-year-old Alisa Lam.
Elisa Lamb was said to be traveling to Santa Cruz. A Canadian tourist was traveling alone on January 28th. Gruesome find, very perplexing mystery here. What more do we know about this case? So let's discuss each and every theory separately. So according to the first theory, the whole case was a planned murder. And इस theory के पीछे भी कुछ बहुत important reasons हैं. Like the tank was locked from outside. जो tank था वो बाहर से बंद था, जिस tank के अंदर Elisa Lamb मिली तो वो खुद तो बाहर जाके बंद नहीं कर सकती. तो ये पहला signal था कि कोई और भी इस case में involved था. Odd behavior in the clip, मतलब कि Elisa Lamb का behavior काफी strange था, as if वो किसी से बचने की कोशिश कर रही है and छुपने की कोशिश कर रही है. तो हो सकता है कि वो उस पूरे क्लिप में किसी एक इंसान से बचने की कोशिश कर रही है जो उसे मारना चाहता हो या फिर उसको हार्म पहुंचाना चाहता हो. पर एक चीज था जो इस पूरे थियोरी को deny कर रहा था, एंड वो था Elisa Lamb का पोस्टमार्टम रिपोर्ट. उस रिपोर्ट में ये बाहर आया कि Elisa Lamb के साथ किसी भी तरह का फिजिकल ट्रॉमा नहीं हुआ था. मौत से पहले उसके साथ किसी भी तरह का हाथाफाई नहीं हुआ था किसी के साथ, और उसके बॉडी पे कोई भी खरोंच की निशान नहीं थी, कोई भी स्ट्रगल की निशान नहीं थी. तो इसका मतलब कोई भी दूसरा इन्वॉल्व था ही नहीं, एंड इसीलिए इस केस को मर्डर नहीं कहा गया. दूसरी थियोरी को आगे रखा गया दैट दिस इज अ केस ऑफ सुसाइड. पर इस थियोरी को भी काफी जल्दी गलत प्रूव कर दिया गया, क्योंकि कई सारे रीजंस थे एंड कई सारी ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी. लाइक Elisa Lamb का खुद से इतने ऊपर रूफटॉप तक जाना, क्योंकि वहां तक जाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी. इतने सारे लॉक डोर्स को खोलना, उसके पास कीस नहीं थे, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, खुद से उस वाटर टैंक का लॉक बाहर से बंद करना, ये सब पॉसिबल नहीं था. एंड इसीलिए इसको एक सुसाइड का केस नहीं बताया गया. एंड इसके बाद लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग येट अनबिलीवेबल सी थियोरी आगे रखी दैट दिस इज ए पैरानॉर्मल केस. लोगों ने एक्चुअली माना कि ये किसी घोस्ट या फिर एविल स्पिरिट का काम है, एंड इसके कुछ एक्चुअल में रीजंस थे. एंड ये थियोरी कहना कि Elisa Lamb के ऑड बिहेवियर को भी थोड़ा बहुत सम अप कर देती है. एंड इवन बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि वो किसी के साथ बीच में बात कर रही है, बट वो हमें कैमरा में नहीं दिख रहा था. कई सारे टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे, जैसे किसी भी कैमरा में Elisa Lamb का कैप्चर ना होना, लिफ्ट का डोर काफी अजीब तरह से ऑपरेट हो रहा था. एंड ये सारी टेक्निकल ग्लिचेस कई बार पैरानॉर्मल केसेस में होती हैं. एंड ऑल्सो उस वीडियो में एक मोमेंट ऐसा आता है जब लिफ्ट का डोर अपने आप बंद हो रहा होता है, लेकिन बीच में वो अपने आप फिर से खुल जाता है, एज इफ लिफ्ट के डोर के बीच में कोई आ जाता है. तुम्हें पता होगा लिफ्ट का डोर कैसे काम करता है, जब भी वहाँ बीच में कोई आ जाता है तो डोर अपने आप फिर से ओपन हो जाता है. तो पॉसिबल है कि वहाँ डोर के बीच कोई आया जो हमें कैमरा में नहीं दिख रहा था. एंड इवन और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, लाइक Elisa Lamb का अपने आप उस टैंक तक पहुंच जाना, एज इफ उसने डायरेक्टली टेलीपोर्ट कर लिया. तो ये सारे इवेंट्स कहीं ना कहीं लोगों को सुपर नेचुरल लगे, बट ऑफकोर्स ज़्यादा लोग इस थियोरी पे तो बिलीव करेंगे नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी अनबिलीवेबल है और थोड़ी सी स्टूपिड लगती है लोगों को. सो इस थियोरी को भी ज़्यादा लोगों ने बिलीव नहीं किया. एंड फाइनली इतना सब होने के बाद वही होना था जो काफी ज्यादा ऑब्वियस था. Elisa Lamb के डेथ को एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का कॉज दे दिया गया, मतलब कि उसने गलती से अपनी जान ले ली, या फिर किसी गलती से उसकी जान चली गई. कोलीन रिज्जो 24 साल की एक मैथ टीचर थी एट डेनवर्स हाई स्कूल यूनाइटेड स्टेट्स. शी वॉज अ वेरी नाइस टीचर एंड पूरे स्कूल में उनका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन था. पर उनके इतने अच्छे होने के बावजूद भी उनकी स्टोरी इतनी अच्छी तरीके से एंड नहीं होती. 22 अक्टूबर 2013 की शाम को कोलीन रिज्जो का उनके स्कूल के लेडीज बाथरूम के अंदर मर्डर हो जाता है. कोलीन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि उनके खुद के एक स्टूडेंट ने किया था, एक 14 साल के स्टूडेंट ने नेम फिलिप चिसन. वैसे तो इस मर्डर केस को सॉल्व करने में शायद पुलिस डिपार्टमेंट को टाइम लग जाता, बट एक रीज़न था जिसके वजह से ये केस काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया, एंड वो रीज़न था स्कूल के अंदर के सर्वाइलेंस कैमरास. एक्चुअली कोलीन अक्टूबर 22 के शाम को, जिस दिन उनका मर्डर हुआ था, उससे पहले एक एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी. एक्स्ट्रा क्लास के वक्त कोलीन का फिलिप के साथ एक आर्ग्यूमेंट होता है, एक काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, जिसके बाद फिलिप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है. इसके कुछ टाइम बाद कोलीन क्लासरूम से बाहर जाती है एंड ये चीज़ उस स्कूल के कॉरिडोर कैमरा में कैप्चर होता है. कुछ सेकेंड बाद फिलिप भी क्लासरूम से बाहर निकलता है. वह आसपास थोड़ा सा चेक करता है और इधर उधर देखने के बाद फिर थोड़ा सा हिचकिचा के क्लासरूम में अंदर घुस जाता है एंड अपने हुडी को ऊपर डाल के फिर वापस आता है.
स्ट्रेंजली वो कोलीन के पीछे पीछे जाता है एंड दूसरे कैमरा में दिखता है दैट ही एंटर्स द वुमेन्स बाथरूम. दैट्स वेयर कोलीन गेट्स मर्डर्ड. फिलिप एक बॉक्स कटर के मदद से कोलीन के हेड को कम्प्लीटली स्लैश कर देता है एंड उसको ब्रूटली वहाँ अंदर मार देता है. 11 मिनट बाद फिलिप को एक और कैमरा में बाथरूम से बाहर निकल कर भागते हुए देखा जाता है. थोड़ी देर बाद वो एक ब्लैक हुईली डस्टबिन को लेकर के फिर से बाथरूम के अंदर जाता है. प्रोबेबली उस डस्टबिन के अंदर उसने कोलीन के बॉडी को रखा होगा. फिर कुछ देर बाद वो उस डस्टबिन को लेकर के बाथरूम से बाहर निकलता है. स्कूल के बाहर के एक लोकल सिक्योरिटी कैमरा में फिर से फिलिप को देखा जाता है उसी डस्टबिन को लेकर पास के एक वुडेड एरिया में जाते हुए. उसी सुनसान एरिया में वो कोलीन के बॉडी को डंप करता है और उसे पत्तों और ब्रांचेस के नीचे छुपा देता है. आफ्टर डंपिंग वो फिर से वापस चुपचाप अपने क्लास में आ जाता है एंड नॉर्मली बैठ जाता है एज इफ कुछ भी नहीं हुआ है. फिर जब कोलीन के बारे में पुलिस को बताया जाता है दैट सी इज मिसिंग, तो पुलिस सबसे पहले कैमरास चेक करती है एंड थैंक्स टू ऑल दीज कैमरास एंड ऑल दिस फुटेजेस इस केस को सॉल्व करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता एंड क्लियरली किलर कौन है ये कैमरास खुद बता देती हैं. फिलिप फाइनली कोर्ट रूम में इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है एंड बोलता है कि जब उस दिन उनके और उसके टीचर के बीच एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था तो उसके टीचर ने उसे ऐसा कुछ बोला था जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था एंड आउट ऑफ एंगर उसने ऐसा किया था. आफ्टर दैट फिलिप वॉज सेंटेंस टू प्रिजन फॉर 40 years. टू बी ऑनेस्ट ही इज पेइंग फॉर हिज ओन डीड्स. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा. लेट मी नो कि आखिर तुम्हारा इस वीडियो के बारे में क्या ओपिनियन था. तुम हर फुटेज के बारे में क्या सोचते हो, हर केस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है एंड जितनी अनसॉल्व केसेस थी उनके ऊपर तुम्हारे क्या थियरीज हैं, उस बारे में कमेंट्स में बात कर सकते हो. बाकी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो. फिलहाल के लिए तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है. मैं तुम्हें एक और वीडियो में शायद नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँ एंड तब तक तुम मेरे बाकी के वीडियोज़ को देख के एन्जॉय कर ही सकते हो. बाय. Thank you.